हाथरस केस में पीएफआई को मिले पैसे के कुछ ट्रांजैक्शन के सबूत, कुछ और ट्रांजैक्शन की तह तक पहुंचने की कोशिश। माहौल बिगाड़ने की लंबी साजिश के मिले संकेत, पीएफआई की तरफ से भीम आर्मी को पैसा देने का भी शक। गिरफ्तार पत्रकार पीएफआई के अखबार का था संपादक, शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का भी था सचिव। पत्रकार का रिमांड मांगेगी यूपी पुलिस, साजिश की सारी कड़ियों को जोड़ने की होगी कोशिश। एक राजनीतिक दल से जुड़े पश्चिमी यूपी के खनन माफिया पर भी फंडिंग करने का शक, योगी सरकार के आने के बाद से परेशान था ये माफिया। हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, परिवार को लोगों से मिलने की पूरी छूट देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका में टिप्पणी की, परिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मिली सुरक्षा, जरूरी समझे तो सुप्रीम कोर्ट में परिवार दर्ज करे याचिका। हाथरस मामले का चार आरोपियों ने एसपी को लिखी चिट्ठी, पीड़िता के परिवार पर उठाए सवाल, पीड़िता की मां और भाई पर लगाया लड़की को पीटने का आरोप। आरोपी की चिट्ठी सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने जताई हैरानी, कहा अब शुरू हुई है एक और नई साजिश। हाथरस केस में सामने आया नया वीडियो, पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन यानी कि 14 सितंबर की है तस्वीरें। हाथरस की हकीकत सामने लाने के लिए एसआईटी ने तेज की जांच की रफ्तार, केस से जुड़े 40 लोगों से पूछताछ। हाथरस को लेकर जारी है हंगामा, मुजफ्फरनगर में जाटों ने बुलाई महापंचायत, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। जाटों की महापंचायत में हरियाणा से पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मंच पर अभय चौटाला भी आए नजर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हाथरस को लेकर विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर दफ्तर के सामने महिलाओं ने की यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, हाथरस के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हल्ला बोल। कोलकाता में लाठीचार्ज के खिलाफ बंगाल में बीजेपी का शांति मार्च, पुलिस जाति का करेंगे विरोध। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष करेंगे मार्च की अगुवाई, गुरुवार को हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद से सियासी उबाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है आरोप। कोलकाता में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की जोरदार भिड़ंत, सचिवालय मार्च पर लाठी पानी की बौछार। अपनी पार्टी के नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने किया नबन्ना चलो का आह्वान, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पुलिस के लाठीचार्ज में कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जख्मी, सड़कों पर भीड़ ने की तोड़फोड़ और आगजनी। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, हिरासत में लिए गए कई नेता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, कैलाश विजयवर्गीय बोले शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है और पुलिस ने इसको तानाशाही पूर्ण तरीके से रोका है, हिंसक कार्रवाई की पुलिस। कर्नाटक में सुनाई दी पश्चिम बंगाल के कोहराम की धमक, धारवाड़ में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण से कोरोना बढ़ने का खतरा, पीएम 2.5 का स्तर मामूली बढ़ा तो कोरोना केस में होगा 8 से 9% का इजाफा। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का खुलासा, प्रदूषण से फेफड़ों पर पड़ेगा असर, इससे कोरोना का बढ़ सकता है खतरा। आरबीआई आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान, मिल सकता है ब्याज दरों में कमी का तोहफा। चारा घोटाले में लालू की बेल पर आज होगी सुनवाई, राज्य के रिम्स में भर्ती है आरजेडी के सुप्रीमो। फीस वसूली पर रोक के खिलाफ डीपीए सोसाइटी की याचिका पर आज सुनवाई, कोरोना की वजह से सरकार ने किया था फैसला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन, पीएम मोदी समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पटना में शनिवार सुबह होगा पासवान का अंतिम संस्कार, आज सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित घर पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 2 बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, पार्टी दफ्तर में लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। रामविलास पासवान को मोदी कैबिनेट देगी श्रद्धांजलि, सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। 74 साल की उम्र में स्कॉट्स अस्पताल में पासवान ने ली अंतिम सांस, बिहार की दलित राजनीति में बना अहम मुकाम। राज्य के सम्मान से होगा पासवान का अंतिम संस्कार, दिल्ली और तमाम राज्यों की राजधानियों में शनिवार को शोक में आधा झुका रहेगा तिरंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पासवान के साथ अपनी कुछ तस्वीरें की साझा, समाजवाद की जंग के अपने साथी को किया याद। गृहमंत्री अमित शाह ने पासवान के निधन पर जताया शोक, कहा वो हमेशा गरीब और वंचित तबके के लिए लड़े।
हाजीपुर में लोग पासवान को याद करते हुए भावुक। 8 बार पासवान यहां से रहे हैं सांसद, हाजीपुर को कहते थे मां। पासवान के पैतृक गांव में भी शोक का माहौल, पहली पत्नी का रो रोकर बुरा हाल। किसान कानून के खिलाफ जारी है कोहराम, दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है पंजाब के किसानों का आंदोलन, अमृतसर में रेल रोको आंदोलन। लुधियाना में 2 टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा, लोगों के लिए किया फ्री। हरियाणा के सिरसा में किसानों की महापंचायत, आगे की रणनीति को लेकर हुई माथापच्ची। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, किसान कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह और भाजपा उम्मीदवार अतुल कुमार पर केस, आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बिहार में पहले चरण के लिए खत्म हुई नामांकन की मियाद, 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी भी चुनावी मैदान में कूदी, मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। बिहार चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सफाई, कहा जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। बिहार चुनाव में नए मोर्चे का गठन, ओवैसी, कुशवाहा और मायावती ने मिलाया हाथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट होगा नाम। हमको यकीन है कि ना सिर्फ हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स बल्कि ये जो अलायंस हुआ है इससे हम तमाम को बिहार की जनता अपने आशीर्वाद से, अपने मोहब्बतों से और अपने वोट से नवाजेगी और हमको कामयाब करेगी। बिहार चुनाव में मंजू वर्मा को टिकट मिलने पर गरमाई सियासत, आरजेडी ने जेडीयू पर लगाया दागियों को उम्मीदवार बनाने का आरोप। मंजू वर्मा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, किन कारणों से सबको पता है, उनके पति के ऊपर क्या आरोप थे, उनके घर में क्या मिले थे, इसके बावजूद जेडीयू ने कोई गुरेज नहीं किया उनको टिकट देने में। बिहार में चुनाव के लिए चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एजेंसी इसकी पैनी नजर। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरी बीजेपी, कहा किसानों को होंगे कई फायदे। सीबीआई से मिले सुशांत केस के परिवार के सदस्य, फॉरेंसिक जांच से जुड़े पहलुओं पर बात। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती ने लगाई हाजिरी, हाईकोर्ट ने रखी है 10 दिनों तक पुलिस के सामने आने की शर्त। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले, 68 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 971 मरीजों की मौत, 1,05,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले, 14,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 4,24,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा नए मरीज, 2,98,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। शिरडी में साईं बाबा मंदिर को खोलने की बढ़ रही है मांग, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से की बाबा की आरती। गुजरात के कई शहरों में कोरोना में जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी, राजकोट में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। कोडरमा के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। खस्ताहाल सड़कों को लेकर कृष्णा जिले में अनूठा विरोध प्रदर्शन, तेलुगुदेशम के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर रोका। कोयंबटूर में कई महीनों के बाद खुली सब्जी मंडी, कोरोना के प्रकोप के बाद से थी बंद। दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर जोर, इवोलट कंपनी ने लॉन्च किए कई मॉडल। दिल्ली में टला बड़ा हादसा, सफदरजंग अस्पताल के पास बेकाबू डीटीसी बस फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़ी। पलवल में किन्नरों के 2 गुट भिड़े, पुलिस के सामने दोनों में हुई जमकर मारपीट। आसनसोल में मौत के संदिग्ध मामले में कब्र से निकाली गई लाश, हत्या के एंगल से हो रही जांच। लखीमपुर खीरी के घर में भीषण आग, पालतू जानवरों को बचाते हुए घर के मालिक की मौत। वाहन में सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर की कार से टक्कर में गई जान। दिल्ली में लड़की से लव अफेयर से खफा, उसके भाइयों ने पीट पीट कर ली युवक की जान, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों की तलाश। बाड़मेर में दलित नाबालिग से रेप मामले में नहीं हो रही कार्रवाई, पीड़िता ने लगाई बाल अधिकार आयोग से गुहार। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। जोधपुर में महिला से गैंगरेप, 2 रिश्तेदारों की तलाश। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, आजम खान की रिहाई की कर रहे थे मांग।
बस्ती में प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष, डेढ़ दर्जन गिरफ्तार। चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, हवाई फायरिंग से भी दहला इलाका। ओवरटेक करने के चक्कर में कार टैंकर से टकराई, भीषण आग में बाल बाल बचे ड्राइवर समेत दो मुसाफिर। गाजीपुर में बीजेपी नेता ने कोर्ट कर्मचारियों से वापस ली घूस की रकम, पीड़ित शख्स को दिलाई रकम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में सोसाइटी के मैनेजर ने लोगों को गार्डों से पिटवाया, बिजली में धांधली की शिकायत करने गए थे लोग। आजमगढ़ में बदमाशों ने बीडीसी मेंबर की गोली मारकर की हत्या, दुकान बंद करके घर आते वक्त हुआ हमला। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में पुरुष डॉक्टर करा रहे डिलीवरी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को दी मात, 69 रन से करारी हार। हैदराबाद ने पहले की बल्लेबाजी पंजाब को 202 रन का दिया था टारगेट। पंजाब की टीम 17वें ओवर में 132 रन पर हुई ऑल आउट, जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर। हैदराबाद की तरफ से जॉनी बेस्टो ने खेली शानदार, 97 रन की पारी, बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब के सीजन में ये पांचवी हार, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। लुसियाना में समुद्री तूफान डेल्टा का खतरा, बचाव के लिए तैयारी तेज, 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा। मेक्सिको में समुद्री तूफान डेल्टा से तबाही, तेल कंपनियों को रोकना पड़ा काम। नाइजीरिया की गैस स्टेशन में बड़ा धमाका, आसमान में धुएं का गुर्बार। दक्षिण कोरिया के उलसान में 33 मंजिला टावर में आग, दूर तक देखी गई लपटें। इजराइल की 8 साल की लड़की का वीडियो वायरल, पूल में अपने पालतू अजगर के साथ करती दिखी अटखेलियां। के रियो में बनाया गया कोरोना स्पेशल रेस्टोरेंट, तमाम एहतियातों के बीच लजीज व्यंजन को लुत्फ उठा सकेंगे लोग। कोरोना काल में अमेरिका में पाबंदियों की वजह से 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा व्यापार का घाटा, निर्यात की तुलना में आयात में बढ़ोतरी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद फिर से देश को पटरी पर लाने का किया वादा, बोले अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर कर रहे काम। ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ वर्चुअल डिबेट से किया इनकार, आयोजकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कोरोना पॉजिटिव के बाद लिया था फैसला। अमेरिकी चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच डिबेट, दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर किया हमला।